इस फिल्म का नाम पहले बुड्ढा था, इसे बना रहे हैं पूरी जगन्नाथ जो कि तेलुगु फिल्में बनाते हैं, बहुत ही प्रख्यात डायरेक्टर हैं, और रामगोपाल वर्मा उन्हें लेकर के आए मेरे पास। उन्हें कहा कि ये बहुत एक अच्छी कहानी है इनके पास, वो आपके साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। मैंने कहानी सुनी, मुझे अच्छी लगी और मैंने अनुमति दे दी। फिर जब राइटर्स बैठे इसके ऊपर तो उनको लगा कि इसकी एक टैगलाइन होनी चाहिए और टैगलाइन बनाई गई होगा तेरा पाप। फिर जब अभिषेक ने इसको सुना, उसने कहा कि ये पूरा जो फ्रेज है यही फिल्म का टाइटल है, तो इस तरह से इस फिल्म का नाम बना बुढ़ा होगा तेरा पाप। ये एक एक्स गैंगस्टर की कहानी है। मैं एक एक्स गैंगस्टर हूँ जो कि मुंबई में रहता था एक ज़माने में, अब पेरिस में रह रहा है और वहाँ अपना एक क्लब वगैरह चला रहा है। किसी एक मिशन के लिए वो वापस मुंबई आया है। यहाँ पर क्या होता है, क्या उसके साथ बीतती है, किस तरह वो मिशन कंप्लीट होता है और किस तरह उसका थोड़ा सा जो अतीत है उसके साथ भी उसको अपने आप को संभालना पड़ता है, उसके ऊपर ये कहानी। ये एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट, रंगीला, हंसमुख, रिलैक्स, बहुत ही कूल कैरेक्टर है। कपड़े जो है इस तरह के कपड़े पहनता है और थोड़ा सा एरोगेंट है, थोड़ा सा एजी है। एजी इस वजह से है, जब भी उसे कोई बुढ़ा बोलता है तो होगा, तो वो जवाब टाइटल में देते हैं कि बुढ़ा होगा तेरा बाप। इस तरह का एक किरदार है। प्रचार शुरू हुआ इस फिल्म का और जिस तरह से इसकी पब्लिसिटी बनाई गई, तो जो पब्लिसिस्ट्स आए थे उन्होंने सुना कहानी और उनको लगा कि इस किरदार में वो अंश है या उस तरह की भूमिका है जो 70 के दशक में, 80 के दशक में मेरी फिल्मों में दिखाई दी जाती थी। तो उनको लगा कि क्यों ना हम आज की जनता को कुछ साल पीछे ले चलें और बता दें कि इस फिल्म में, बुढ़ा होगा तेरा बाप में, जो एटीट्यूड आप देखेंगे इस कलाकार का, वो उस उन दिनों की यादों का ही एक अंश। एक मेडली है जो मेरे पुराने गानों की है, उसको हमने थोड़ा सा अपबीट कर दिया है। आजकल के ज़माने का जिस तरह का धूम धड़ाके का संगीत होता है, उसके रिदम में उसको मिक्स करके हमने एक गाना बनाया और उसको हमने फिल्माया भी है। वो एक फिल्म का अंश है और हमें बहुत अच्छा लगा। ये दरअसल हम लोग एक कॉन्सर्ट टूर में गए थे कोई 2.5-3 साल पहले, विशाल शेखर भी थे उसमें हमारे साथ, और एक दिन हम लोग अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क में शायद हमारा शो होने वाला था, कुछ दिन की छुट्टी मिली थी उससे पहले। हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, वहाँ पर हमने कुछ संगीत वगीत सुना, अच्छा लग रहा था। मैंने वहाँ जो डीजे था उससे कहा, भैया ये अच्छा संगीत है हमको दे दो, तो उन्होंने हमारे लिए एक डिस्क बना के दे दिया। कमरे में आए, हम उसे सुन रहे थे। अचानक एक दिन मैं उसे सुन रहा था, मैंने कहा अरे यार इस पे तो मैं कहीं के पान बनारस वाला गा सकता हूँ। तो फिर मैंने विशाल शेखर से बात की, उन्होंने कहा हाँ चलिए। तो वहीं पर हमने एक रातों रात एक स्टूडियो बुक किया और 15 मिनट में ये गाना हमने अपने तरीके से उसको गा के फिर उसके बाद कॉन्सर्ट में बजा ये गाना, फिर वो बंद हो गया क्योंकि कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया। फिर जब संगीत की बात हुई पूरी जगन्नाथ के साथ, तो ऐसे ही एक दिन बैठ करके मैंने उन्हें ये सुनाया, उन्होंने कहा मुझे तो यही गाना चाहिए। तो फिर हमने इस गाने को बनाया और ये एक फिल्म का एक अंश है, एक सीन है और बनाया गया है। आपने शायद देखा।